ये खूबसूरत फूल कैलेंडुला के हैं। पीले रंग के ये फूल छोटे छोटे पौधे में आते हैं, जिसे आप 8 से 10 इंच या 12 इंच के गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। और ये विंटर में खूब उगाया जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती है और इसको बीजों से उगाना बहुत आसान होता है। अभी आप इसका रेडी प्लांट या बीज भी आसानी से खरीद के लगा सकते हैं। चलिए पहले हम आपको इसके बीज दिखा देते हैं। ये कैलेंडुला के बीज हैं, आपको पास की नर्सरी में इजीली मिल जाएंगे। आपने अगर पिछले साल के फूलों से इकट्ठा करके रखा है तो वो भी अच्छा होगा। हालांकि ये बीज ऑनलाइन भी आपको इजीली मिल जाएंगे। इन्हीं से हम अभी कैलेंडुला के पौधे उगाएंगे। सीडलिंग ट्रे है, उसको हम कोकोपीट से भर रहे हैं, जिसमें हम डालेंगे कुछ सीड, कैलेंडुला के सीड। जाड़े की तैयारी शुरू हो गई है। जाड़े के लिए हमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूलों वाले पौधे चाहिए, जिसमें फ्लावरिंग ज़्यादा हो और छोटे गमले में भी वो लग जाए। हम उसे अपने घर की खिड़कियों, बालकनी पे सजा सकें, घर की बाउंड्री वॉल पे लटका सकें और देखने में खूबसूरत लगे। थोड़ा थोड़ा कोकोपीट हम इस तरह से सारे होल्स में भर देंगे। बहुत ज़्यादा कोकोपीट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके ये फूल जाता है। और इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ जो आपको कोई भी नहीं बताता है, हर सीड लगाते समय माली तो ज़रूर डालते हैं, नर्सरी वाले इसको जानते हैं, पर बताता आपको कोई नहीं है। ये देखिए, ये जादुई दाने हैं। ये दाने सीड लगाते समय हम हर सीडलिंग ट्रे के हर होल में हम 2 से 4 दाने डाल रहे हैं। जो कोकोपीट होता है ना, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है जो पौधे को चाहिए, बल्कि ये मिट्टी की क्वालिटी को खराब ही करेगा। तो न्यूट्रिशन मेंटेन कैसे होगा? नया पौधा आएगा, उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो कैसे देंगे? उसके लिए ये DAP है। ये सेफ फर्टिलाइजर है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और ये छोटे पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। तो जो आपका पौधा उगेगा, इनिशियली ही बिगनिंग में ही उसके रूट्स मजबूत होंगे। और आप जानते हैं, जिस पौधे के रूट्स मजबूत होंगे वो पौधा मजबूत होगा। इसके दाने हमने हर होल में डाल दिया है। अब बारी है इसमें सीड डालने की। ये हमारे पास कैलेंडुला के सीड हैं, बड़े बड़े हेल्दी सीड हैं। हर होल में हम एक सीड डालेंगे और इस तरह से इसको ढक देंगे। सीड्स जो हमने इसमें डाले हैं उनको कवर करना जरूरी है। आइदर आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं या फिर कोकोपीट की हल्की सी परत यूं डाल सकते हैं। बहुत मोटे लेयर हमें नहीं डालना है, बस हल्की सी परत, ताकि जब इनमें जड़ें आएं तो रूट्स कवर्ड रहे, ऐसा ना हो कि बेयर रूट रहे और पौधा हमारा एक तरफ को झुक जाए। इस तरीके से हम सारे ही बीज को ढक देंगे। और अब बारी है इसमें वाटरिंग की। हल्की वाटरिंग ही काफी होती है, और सीडलिंग ट्रे में आप स्प्रेयर से पानी दें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ये हमने पानी दे दिया है और इसे हम रखेंगे किसी ऐसी जगह जहां हल्की धूप आती हो, यानी सुबह शाम की धूप आती हो। तो काफी आप बालकनी में रख सकते हैं या सनी विंडो पे रख सकते हैं, खिड़की पे रख सकते हैं, जहां थोड़ी देर धूप आती हो। 2 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पे सीड्स की जर्मिनेशन दिखेगी। अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे। हमने इसे सनी विंडो पर रखा है, यहाँ खिड़की से धूप छन कर आती है। सुबह शाम हम इसमें पानी डालते हैं ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। आप देख सकते हैं सीडलिंग ट्रे में इसके पौधे उगाए हैं। 1 हफ्ते का समय हुआ है पर हमारा फूल का पौधा उग गया है। जब यह 2 से 3 इंच का हो जाएगा तब हम इसे छोटे छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे और हर गमले में एक ही हेल्दी पौधा लगाएंगे। इससे इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी।